जय श्री राम। हम आप सबकी बहन आरती घोसी, आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी दीदी भैयाओं को स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार की गजब की हुई एंट्री पटना में। पटना में गजब की एंट्री कैसी भाई, और काय भाई इतनी गजब काय लगे हुए, तो हर जगह जाते हैं तो एंट्री तो होता ही की है, लेकिन जब गजब की एंट्री, गजब को शब्द बहुत महत्वपूर्ण रखा है, तो आज आप सब ये वीडियो में जानी होगा काय भाई उनकी ऐसी गजब की एंट्री काय हमने कही कि गजब की एंट्री भाई। ये तो आप सब के लाने सूचित करना ही, पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, कर दो बेल आइकन को प्रेस और ऑल के ऑप्शन सेलेक्ट। चलो वीडियो में बढ़ रहा है अब आगे। तो बागेश्वर धाम सरकार की भाई गजब की एंट्री कैसे भाई, कि जैसे ही वे बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एयरपोर्ट पर पहुंचे, जो पहले बात करी जा रही थी जो विद्रोही पार्टी बारे हते और राजनीति में तो ऐसे चलाते रहते, लेकिन राजनीति में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो आते नहीं है, लेकिन उनको लेकर जो कह रहे थे कि जैसे एयरपोर्ट पे आए हैं तो उनके ऊपर पथराव करो जो है, जबकि उनके ऊपर फूल बरसाए गए। देखो महिमा देखो उनकी, कि जो के सब जने खुल कर कह रहे थे कि जैसे ही एयरपोर्ट पे आए हैं उनके लाने वापस लौटाओ जो है, उनके ऊपर पथराव हुई है, लेकिन ऐसो कछु भाव नहीं आ और न हुजे, कैसे हो जे बताओ आप। और ये बताइए कि जो ये बात हमने पहले वीडियो बनाई थी कि ऐसी जे बता रहे हैं आदमी कि उनके पर ऐसे हमला हुई है या कछु भी, तो भैया लेकिन ऐसो कछु भाव नहीं आ। और ऐसी सुबह से शाम से उनकी गाड़ी जब कोई चला रहा हो तो गाड़ी की और बता दें कि जब एयरपोर्ट से भी निकले तो उनको भव्य तरीके से स्वागत भाव उनकी आप और तस्वीर के माध्यम से भी देख ला हुई है आप और उन्हें, तो उनके भव्य तरीके से बड़े बड़े नेता, राजनेता, अभिनेत्री और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आते कि जो के बड़े उपाधि बारे तो वे स्वागत कर पहुँचे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, जो कि सवेरे भी 8 बजे 13 तारीख की सवेरे 8 बजे पहुँच गए थे। ऐसे 13 तारीख से 17 तारीख तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा चल रहे हैं। और आप सब किला ने बताइए कि उनको दिव्य दरबार भी लगा था, जो कि एक दिन को दिव्य दरबार लगने हैं तो वो कब लगे तो वो आप किलाने हैं तो वीडियो के आखिर में बताते हैं के मतलब बहुत सारी जानकारी, लेकिन शॉर्टकट तरीके में देना पड़ा था, समय की बहुत पाबंदी रहती है। आप सब किला ने पता ही है कैसे हमारे वीडियो अपलोड नहीं होते हैं, बड़े वीडियो बन जाते हैं तो हमें अपलोड नहीं हो, दो दो तीन तीन दिन में वीडियो अपलोड होते हैं तो फिर आप ही और फिर सोचा तो कितनी लेट का ब्लॉग आए, तो वे दिक्कत ये हो जाती है हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, पहाड़ी इलाका है, नेट चलत नहीं है और हमारे चलते चलते पूरा बढ़ा जाए तो पता ही नहीं पा रहे, सोचे कि वीडियो अपलोड हो रहा हुआ है लेकिन वीडियो नहीं हो पाता अपलोड, तो दिक्कत ये हो जाती है हमें लाने। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब पहुंच गए तो मनोज तिवारी ने गाड़ी चलाई, जो कि उनके बगल में बैठे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। मनोज तिवारी जो कि यहाँ पर वे राजनीति में अब जो अध्यक्ष हो, जो कछु हो जो नहीं, अपन पता का राजनीति अपन नहीं जानता है, हमें नहीं पता कहाँ है जे माता राम जे हमारे ठाकुर साहब आराध्या घोसी जे आ गई मम्मी जे कहाँ हैं वो कहाँ हैं, तो वीडियो बनावे को टाइम ही नहीं मिल पाते नहीं कि हमारा वन नहीं बना पाए। तो अब सब किला ने बता ही रही थे हमने कि उतर से फूल बरसाए गए और भव्य तरीके से, और आप सब किला ने एक वीडियो और हमने आपको बताई थी बनाओ है, लेकिन शायद हमने अपलोड कर दो आप और पता नहीं देखो है कि नहीं देखो है कि दिव्य दरबार कब लगने हैं। और एक और वीडियो हमने बनाओ तो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो कि होटल है, तो वे कौन सी होटल में रुके हैं और कितने उनको खर्चा है होटल ही को, कितने में बुक करी गई है होटल और कहाँ वह होटल है और कौन सी होटल है, बहुत जानकारी हमने एक वीडियो बनाओ है। तो आप और चैनल के लाने सब्सक्राइब कर लियो, कैसे हम अगर अपलोड करें तो हमें डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक देवेगी, ध्यान भूल गए हैं तो हमारे चैनल ही को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो हमारी वीडियो की जानकारी तो आपको मिलता ही रहते हैं। और आप और हमें जा बताइए कि सपोर्ट का नहीं करा, शकल अच्छी नहीं है कि आवाज़ अच्छी नहीं है, का दिक्कत परेशानी है कि जानकारी अच्छी नहीं देती, जानकारी तो हम अपनी तरीक़ा से अपनी तरफ से हम इतनी कोशिश कर रहे थे कि पूरी अच्छे से डिटेल तरीके से जानकारी दे पाएं, ऊपर से हम हाथ और प्राण लगत मोबाइल पकड़े और चिल्लिया हमारी आवाज़ और ना हमारी पड़ गई आ गई, देखो अरे अरे चलो 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 ये पूरा खा गई, मैं लगाया संगनल का कर रहे भैंस ने पूरी हरे खा लिया है कि हाँ गए वो किला ने बांध गए तो बड़ी मुश्किल में बांध पाई है और तनाई ने तनाई थी पाँव और पाँव पे पाँव रख दो उन्हें तो हमारा पाँव और कुछ रखा हुआ दारी में। चलो ठीक है, वीडियो के लाने लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मिले अगले वीडियो में। जय श्री राम।